There are some aspects of it, such as tone, which contribute to the meaning of the an utterance. कि हर इसके जो हैं हर पहलू के अपने मायने होते हैं, अपने उसका जो है बयान करने का अंदाज होता है. मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स. मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बनती है. मतलब पीछे हमने फोनेम को फोनोलॉजी को पढ़ा है ना, कि फोनोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है कि डिफरेंट फोनेटिक्स मिलके डिफरेंट फोनेम मिलके वर्ड्स बनाते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, जिसमें डिफरेंट साउंड्स वाली जो हैं फोनेम होते हैं, डिफरेंट साउंड्स वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनटू मिनिमम डिस्टिंक्टिव यूनिट्स ऑफ मीनिंग कॉल्ड मॉर्फिम्स. तो इसका जो एक वर्ड बनता है डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के मिलने से, डिफरेंट फोनेटिक्स के मिलने से जो एक वर्ड बनता है उसे मॉर्फिम्स कहते हैं. और मॉर्फिम कैन नॉट बी ब्रोकन अप बिकॉज इफ़ इट इज़ इट विल नो लॉन्गर मेक सेंस. अगर इसके किसी भी मॉर्फिम को तोड़ा जाए या उसमें से कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई साउंड मिसिंग हो तो वो कोई सेंस नहीं बनाता है. मॉर्फिम बैट इज़ मेड अप ऑफ थ्री साउंड. अब जो मॉर्फिम बैट है, बैट एक वर्ड है ना चमगादड़ को कहते हैं, तो ये बना है ब ए ट से मिलके, ये तीन साउंड्स ने मिलके बैट बनाया है. तो इसमें से अगर किसी एक को भी हम स्किप कर देते हैं, टी को निकाल दें, बी को निकाल दें या अ को निकाल ए को निकाल दें, तो ये बैट वर्ड कंप्लीट नहीं होगा. दिस कॉम्बिनेशन मेक्स अप सिंगल मॉर्फेम बैट एंड इफ ब्रोकन अप इट विल नो लॉन्गर कैरी द मीनिंग ऑफ बैट. कि इसमें इसको अगर इसके स्ट्रक्चर को बैट के ब्रोकन कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो ये बैट का मीनिंग नहीं देगा. Words can be made up of single morphemes such as bat or combination of morphemes. Bats is made up of two morphemes. अब क्या है कि यानी वर्ड जो हैं वो सिंगल मॉर्फेम से भी मिलके बन सकते हैं और एक से ज़्यादा के से भी मिलके बन सकते हैं. जैसा कि bats, bat में मतलब s को जब प्लस कर दें तो वो bats बन जाता है ना. मॉर्फोलॉजी डील्स विद द रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फेम्स टू फॉर्म वर्ड्स एज सफिक्स आर प्रीफिक्सेस आर अटैच टू सिंगल मॉर्फेम्स टू फॉर्म वर्ड्स. तो ये भी इसके आगे से ना मॉर्फेम के मॉर्फोलॉजी के आगे रूल्स होते हैं कि जिसमें जो यानी वो वर्ड्स को जो है वर्ड्स के अंदर कुछ वर्ड्स को ऐड करने का कॉम्बिनेशन करने के लिए कौन कौन से जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जाती हैं. इट स्टडीज द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जांपल मॉर्फेम टेक चेंजेस टू टुक एंड टेकन. अब टेक प्लेस यानी जो टेक जो वर्ड है ना उसके भी आगे से हमें पता है, हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी हुई है ना, तो उसकी भी उसको भी मजीद बदला जा सकता है. मतलब टेक की जगह पे सेकंड फॉर्म टुक या फिर थर्ड फॉर्म टेकन भी तो लगा लेते हैं ना वो टेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से. दीज चेंजेस सिग्निफाई अ चेंज इन टेंस. ये टेंस पे बेस करती हैं ये चीज़ें कि आपने वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है. द लेवल ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ लिंक टू फोनोलॉजी ऑन द वन हैंड. अब क्या है कि जो लेवल ऑफ मॉर्फोलॉजी है उसमें सबसे एक तो हम फोनोलॉजी को डिस्कस करते हैं, उसमें यानी एक रोल तो फोनोलॉजी का होता है और सेकेंडली ऑन द अदर हैंड एंड ऑन द सेमेंटिक्स ऑन द अदर. और दूसरी तरफ सेमेंटिक्स होते हैं, मतलब एक मॉर्फोलॉजी और दूसरा सेमेंटिक्स. मॉर्फोलॉजी कौन सा था जो अभी हमने ऊपर स्टडी किया है कि डिफरेंट जो हैं वो साउंड्स मिलके जो वर्ड्स बनाती हैं वो मॉर्फिम कहलाते हैं, वो ब्रांच जो है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है. और सेमेंटिक्स मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं. इट इज़ क्लियर इन द लेव अबव एग्जाम्पल्स ऑफ टेक दैट द चेंज टू टुक इन्वॉल्व्स अ चेंज इन वन ऑफ द साउंड इन दिस मॉर्फिम. अब क्या है कि हमने जैसे टेक के ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी है, टेक को जब टुक करते हैं तो उसकी कंप्लीट साउंड चेंज हो जाती है ना. टेक में और टेक टुक में बाकायदा फ़र्क है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द मीनिंग. इसके अलावा इसके मतलब में भी चेंजिंग आती है. मतलब टेक का मतलब लेना होता है, टुक का मतलब लिया होता है. टेक मीन्स द एक्शन टेक प्लस टाइम प्रेजेंट एंड टुक मीन्स द एक्शन टेक टाइम पास. कि यानी टेक का मतलब है कि यानी कोई एक्शन जो है आपने प्रेजेंट में लिया है और टुक का मतलब है कि कोई एक्शन आपने पास में लिया है. दस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफन इन्वॉल्व चेंज एट द लेवल्स ऑफ बोथ साउंड एंड मीनिंग. कि जब भी मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंजेस होते हैं तो वो दोनों हर तरह से होते हैं, हर लेवल पे होते हैं. मतलब उसके साउंड में भी तब्दीली आती है और उसके मीनिंग में भी तब्दीली आती है. इसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस पे. सेंटेंस इज द लेवल एट विच वी स्टडी हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस. इस लेवल पे आके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और इसमें ये देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स मिलके फ्रेजेस बनाते हैं, फ्रेजेस कंबाइन टू फॉर्म क्लॉजेस, और डिफरेंट फ्रेजेस मिलके क्लॉजेस बनाती हैं, एंड क्लॉजेस जॉइन टू मेक सेंटेंसेस, और डिफरेंट क्लॉजेस मिलके सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं. द स्टडी ऑफ सेंटेंस ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स of positioning of elements in the sentence such as nouns, noun sentence phrases, verb phrases,
एडवेरिबल फ्रेजेस एसेस्ट्रा। अब क्या है कि सेंटिक्स के लेवल पे आके हमें जो है बहुत डीपली जो है वो स्टडी करना पड़ती है, बहुत से रूल्स को सीखना पड़ता है, मतलब नाउन्स के, नाउन के सेंटिक्स, उसके बाद वर्ब को, वर्ब फ्रेजेस को, एडवेरिबल फ्रेजेस, और भी ग्रामर की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें स्टेंस स्ट्रक्चर के लिए सीखना पड़ती हैं। स्टेंस मस्ट बी कम्पोज ऑफ दीज एलिमेंट्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक सेंटेंस तभी कम्प्लीट होता है जब ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं एक खास तरतीब में अरेंज किए जाते हैं। सेंटिक्स ऑल्सो अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ दीज एलिमेंट्स फंक्शन इन द सेंटेंस। सेंटिक्स में हम ये भी सीखते हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ देयर रोल इन द सेंटेंस, कि उनका सेंटेंस में क्या रोल होता है। फॉर एग्जांपल, द वर्ड बॉय इज़ अ नाउन, हमें पता है कि बॉय एक नाउन है, लड़का एक नाउन है, किस्म है। हाउएवर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इट्स फंक्शन इन डिफरेंट रोल्स। अब क्या है कि इस ये हम नीचे एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें बॉय का वर्ड तो यूज़ होगा लेकिन हर जगह पर इसका रोल अलग होगा। द बॉय लाइक्स क्रिकेट, लड़का क्रिकेट खेलता है। द ओल्ड मैन लव द बॉय, यानी जब द बॉय लाइक्स क्रिकेट था ना, तब ये सब्जेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा था कि लड़का जो है वो क्रिकेट खेलता है। द ओल्ड मैन लव द बॉय, इसमें जो लड़का है वो ऑब्जेक्ट है, बॉय ऑब्जेक्ट है। द ओल्ड मैन लव द बॉय, के बूढ़े आदमी ने लड़के को प्यार किया। इन अ सेंटेंस ए फंक्शंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इन द सेंटेंस बी इट फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट। अ सेंटेंस शुड बी बोथ ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस जो है ना उसको ग्रामेटिकली भी और मीनिंगफुली भी परफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस लाइक कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। अब ये देखें, ये जो सेंटेंस है ना, ये इसकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली, के बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या है कि इसमें जो है इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब वो ग्रामेटिकली भी ठीक हो और मीनिंगफुल भी हो। अब ये जो सेंटेंस है इज ग्रामेटिकली करेक्ट बट इट इज़ नॉट मीनिंगफुल, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। द रूल्स ऑफ सेंटेंस शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू एक्सप्लेन हाउ सेंटेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड विच आर बोथ ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल। तो जो सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो रूल्स होते हैं, इनमें आके हमें पता चलता है कि सेंटेंस जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और उसमें दोनों चीज़ें ग्रामेटिकल और मीनिंगफुल एलिमेंट्स भी कैसे मुकम्मल किए जाते हैं। सिमेंटिक्स के बाद हम नेक्स्ट लेवल पर आ जाते हैं, जैसे कि सिमेंटिक्स है। सिमेंटिक्स का लिंक जो होता है वो किसी भी वर्ड के, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग के साथ होता है। कि कोई भी चीज़ है उसका कोई मीनिंग तो होता है ना, कि वो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है, तो उसकी उसकी कोई ना कोई मायने तो बनते हैं ना। कि कोई भी सेंटेंस हम किसी को कोई बात कहते हैं वो मीनिंगफुल होती है ना। सिमेंटिक्स डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, के इस लेवल पे आके हम लैंग्वेज में मीनिंग को स्टडी करते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, इसमें हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के जो मायने होते हैं उनको समझते हैं। हाउ वर्ड्स सिमिलर और डिफरेंट आर रिलेटेड, के किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स या एक जैसे वर्ड्स को उनको रिलेट किया गया है। इट अटेम्प्ट्स टू शो दीज इंटर रिलेशनशिप थ्रू फॉर्मिंग कैटेगरीज, तो ये पता चलता है कि यानी डिफरेंट वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सिमेंटिक्स ट्राइज टू गिव एन अकाउंट ऑफ बोथ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज मीनिंग। अब सिमेंटिक्स के किस ब्रांच में, सिमेंटिक्स के लेवल पे आके हम दोनों चीज़ें देखते हैं कि वर्ड्स भी और सेंटेंसेज भी क्या मायने देते हैं। एंड अटेम्प्ट्स टू एनालाइज एंड डिफाइन डैट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी एब्स्ट्रैक्ट, और ये पता ये भी एनालाइज करते हैं, इस चीज़ का भी एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है उनको एब्स्ट्रैक्ट होती हैं या कंक्रीट होती हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें नज़र आती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं सिर्फ जिनको महसूस किया जा सकता है, जैसे इमोशंस होते हैं, पेशेंस होते हैं, लव हार्टेड, इस तरह की चीज़ें। इट मे बी इजी टू डिफाइन मीनिंग ऑफ वर्ड सच एज ट्री बट नॉट सो इजी टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड सच एज लव और सिमिलर एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वो कि यानी जिस तरह से जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट सॉरी कंक्रीट होती है ना, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती हैं, उनको उनके मीनिंग को समझना या अंडरस्टैंड करना वो आसान होता है। जैसा कि ट्री है, ट्री का मतलब हमें पता है कि दरख्त होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं, लव हार्टेड, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जेलेसी, उनको जो है समझना, उनके अंडरस्टैंड करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो अनडिफाइनेबल होती हैं। दिस इज़ वाई सिमेंटिक्स इज़ वन ऑफ द लेस क्लियरली डिफाइनेबल एरियाज ऑफ लैंग्वेज स्टडी टिल नाउ। इसलिए जो है आज के ज़माने तक भी ये सिमेंटिक्स जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसको कम्प्लीटली डिफाइन या अंडरस्टैंड अब तक किया जा सका। एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टडी ऑफ मीनिंग और सिमेंटिक्स इज प्रोग्रामेटिक्स। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है जिसको हम प्रोग्रामेटिक्स कहते हैं। प्रोग्रामेटिक्स डील विद द कंस्ट्रक्चुअल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मीनिंग इन पर्टिकुलर सिचुएशन। अब क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके जो मीनिंग्स होते हैं ना, वो हर सिचुएशन में या हर टाइम में सेम नहीं रहते। सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर इवेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। आर डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द स्टडी ऑफ सेंटेंसेज प्रोग्रामेटिक्स
कंसीडर योर ट्रेंसेज दो सेंटेंसेज विच आर यूजली अटर्ड बाय द स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज, के मतलब एक स्पीकर ने जब कोई बात कही हो तो हो सकता है कि तब उसका मीनिंग कुछ और हो, लेकिन बाद में जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज हो जाए। डिस्कोर्स इज़ द स्टडी ऑफ चंक्स ऑफ लैंग्वेज। अब डिस्कोर्स जो है वो लैंग्वेज का जो है वो लॉस्ट लेवल आ जाता है, विच आर बिगर देन अ सिंगल सेंटेंस, जो इसमें वो सिंगल सेंटेंस की बात नहीं करते, उसमें डिफरेंट सेंटेंसेज को इकट्ठा करके कॉम्बिनेशन करके एक पैराग्राफ, एक स्टोरी, एक ऐसे, एक डिस्कोर्स, एक टेक्स्ट प्रिपेयर की जाती है। एट दिस लेवल वी एनालाइज इंटर एसेंशियल लिंक्स डेट फॉर्म आर कनेक्टेड आर कोहेसिव टेक्स्ट। इस लेवल पे आके टेक्स्ट हो गए या फिर डिफरेंट सेंटेंसेस का जो एक लिंक होता है, एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रिपेयर किया जाता है। कोहेजन इज अ रिलेशन इस्टेब्लिश इन अ सेंटेंस बिटवीन इट एंड सेंटेंसेज प्रोसीडिंग एंड फॉलोइंग इट बाय द यूज ऑफ कनेक्टिव सच एज एंड थो ऑल्सो बट एसेस्ट्रा। इसके अलावा डिफरेंट सेंटेंसेज को इकट्ठा करने के लिए हमने वो पढ़े होते हैं ना इंग्लिश में के पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं कि अगर हमने डिफरेंट सेंटेंसेज को जोड़ना हो तो एंड थो ऑल्सो इस तरह के वर्ड्स के साथ इंटर कनेक्ट करते हैं। बाय द मैनर इन विच रेफरेंस इज मेड टू अदर पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट बाय डिवाइसेज सच एज रिपीटेशन और बाय द यूज ऑफ प्रोनाउंस डेफिनेशन आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल एसेस्ट्रा। इसके अलावा डिफरेंट टेक्स्ट के जो पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए मतलब यानी वो हमने नाउन प्रोनाउन पढ़े ना कि क्या है कि जब फिक्रे का कोई ऐसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले नाउन लिखते हैं कि हिना इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके चेंज करते जाते हैं, हिना की जगह पे हम शी का वर्ड यूज़ करते हैं, हर का वर्ड यूज़ करते हैं, बार बार उसका नेम तो नहीं यूज़ कर सकते। इसके बाद इसके अलावा डेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं, ए एन दी का हम इस्तेमाल करते हैं। बाय स्टडिंग द एलिमेंट्स ऑफ कोहेजन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ अ पीस ऑफ कनेक्टेड लैंग्वेज कैन हैव अ ग्रेटर मीनिंग दैट इज मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंसेज इट कंटेन्स। तो जब डिफरेंट सेंटेंसेज को इकट्ठा किया जाता है तो तब जाके हमें एक मुकम्मल एक पीस ऑफ राइटिंग की समझ आती है, जो कि एक सिंगल सेंटेंस हमको वो सेंस नहीं दे सकता था। इन एडिशन टू दीज लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस वी ऑल्सो स्टडी ग्राफोलॉजी। इसके अलावा हम ग्राफोलॉजी को भी स्टडी करते हैं, विच इज द स्टडी ऑफ राइटिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड द कन्वेंशन यूज इन रिप्रेजेंटिंग द स्पीच एंड राइटिंग। इस लेवल पे आके हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, लैंग्वेज के सिस्टम को स्टडी करते हैं कि किस तरह से स्पीच ऑफ राइटिंग में कौन कौन सी ट्रेडिशनल टिप्स या ट्रेडिशनल रूल्स यूज किए गए हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, लेक्सिकोलॉजी स्टडीज द मैनर इन विच लेक्सिकल आइटम्स वर्ड्स आर ग्रुप टुगेदर एज इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिक्शनरीज, के डिक्शनरीज में भी एक वर्ड के जो है ना कितने ही आपको वर्ड मिल जाते हैं, जैसे हम सिनोनियम्स एनोनियम्स करते हैं ना, वो एक वर्ड्स के डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको अंडरस्टैंड करना इतना ईजी नहीं होता। अगर ये लास्ट पैराग्राफ है, कंक्लूजन कर लेंगे इसको। लिंग्विस्टिक डिफर्स अकॉर्डिंग टू वॉट दे कंसिडर एज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडी। सम कंसिडर द प्रॉपर एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक टू बी कन्फर्म ऑफ द लेवल्स ऑफ फिनोलॉजी मॉर्फोलॉजी एंड सिंटिक्स। अब कुछ लिंग्विस्टिक ये कहते हैं कि यानी इसके जो लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं, लिंग्विस्टिक के जो लेवल होते हैं फिनोलॉजी मॉर्फोलॉजी एंड सिंटिक्स होते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड अ माइक्रो लिंग्विस्टिक परस्पेक्टिव। इसको हम माइक्रो लिंग्विस्टिक परस्पेक्टिव भी कह सकते हैं। हाउएवर सम टेक अ ब्रॉडर और मैक्रो लिंग्विस्टिक टू व्यू विच इंक्लूड द लेवल ऑफ एनालिसिस मेंशन अबव एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड द रिलेशनशिप विद मेनी एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन जो कि इसकी मैक्रो लिंग्विस्टिक है, यानी माइक्रो लिंग्विस्टिक में तो सिर्फ तीन लेवल आते हैं ना, लेकिन अगर हम मैक्रो लिंग्विस्टिक को स्टडी करें तो उसमें लेवल जो हैं वो सारे इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे हमने सिमेंटिक्स को भी पढ़ा है और इसके अलावा भी हमने ग्राफोलॉजी की भी बात की है, प्रोग्मेटिक्स की भी बात की है, तो उसमें ये सारे लेवल इंक्लूड हो जाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ या उनके रिलेशनशिप के साथ जो है वो बिलोंग करती हैं। आई होप सो कि आपको टॉपिक की समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।